काम करे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले। Many Indians jumped at this remark by RSS chief Mohan Bhagwat. Was he criticizing the Prime Minister? What was the context of what the RSS chief was saying? Let's find out. I'm Manish Adhikari and you are watching First Things First. Dhwaja pranam! Ek! Do! Teen! First, a story. Actually, an anecdote from the India-China war that Ramgiriji Maharaj narrated at the same event. Chai dene ke liye Bharatiya sainik jab niche jhuka, उस चीनी सैनिक ने उनके पेट में नीचे से चुरा खोप दिया। ओके, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रामगिरी जी महाराज वाज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट हाउ कंपैशन इज एन इंडियन ट्रेट। द स्टोरी गोज समथिंग लाइक दिस। ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर, समवेयर ऑन द फ्रंट लाइन, एन इंडियन सोल्जर फाइंड्स अ चाइनीज सोल्जर इंजर्ड, टेक्स पिटी एंड ऑफर्स हिम अ कप ऑफ टी। द चाइनीज सोल्जर स्टैब्स द काइंड इंडियन जवान। वह भारतीय सैनिक नीचे गिरा। संयोग से दोनों सैनिकों को एक ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ओके, हैंग ऑन नाउ, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस इन द हॉस्पिटल एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो प्लीज वॉच द वीडियो टू द एंड। आई प्रॉमिस द एंड इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। नाउ दैट सेड, बिफोर वी रिटर्न टू व्हाट द आरएसएस चीफ मोहन भागवत सेड इन हिज स्पीच, आई वांट टू शो यू अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द सेम इवेंट। परम साधनं नाम वीरव्रतम। देयर वाज आल्सो योगा टू द ट्यून ऑफ अ फ्लूट। घटासन, पार्श्वकोणासन। Yes, there were marching bands, of course. There were patriotic songs. Kaun hai kattar, kaun sahishnu, itihaason ne katha likhi. And there was action. निगण उत्तिष्ठ दक्षिण प्रचल। राइट। सो आफ्टर ऑल दिस, द आरएसएस चीफ डिलीवर्ड हिज नाउ फेमस स्पीच। काम करते सब लोग है, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। ट्रू सेवक डज नॉट हैव अहंकार, अ ट्रू सेवक मेंटेन्स डिग्निटी, भागवत सेड एंड एडेड, he, the sevak that is, follows decorum while working. He does not have the arrogance to say, I did this work. Only that person can be called a true sevak. वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं, काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। ओके, सो व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट हियर? वेल, द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट हैज टू बी द इलेक्शन रिजल्ट। द आरएसएस चीफ वाज स्पीकिंग जस्ट डेज आफ्टर मोदी स्वेरिंग इन। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई। Bhagwat's RSS is the ideological fountainhead of the BJP, and despite an extremely aggressive poll campaign, the BJP fell far short of the ambitious 400 par call for the NDA. The party even failed to get to the majority mark of 272, winning 240 of India's 543 Lok Sabha seats. This led an energized Congress-led India bloc, preventing a third Modi wave. एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। मणिपुर प्लंज्ड इनटू एथनिक वायलेंस ऑन मई 3rd लास्ट ईयर आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इम्फाल वैली बेस्ड मेथेज एंड हिल बेस्ड कुकीज फ्लेड अप, रिजल्टिंग इन मोर देन 200 डेथ्स। द ऑपोजिशन कॉन्स्टेंटली हाईलाइटेड दिस क्राइसिस। इनफैक्ट, जस्ट ऑन मंडे 10th जून, एन एडवांस सिक्योरिटी कॉन्वॉय ऑफ मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह वॉज एम्बुश्ड बाय अनआइडेंटिफाइड मिस्क्रिएंट्स, लीविंग 2 पुलिस पर्सनल इंजर्ड। So the RSS raising the failure to quell the unrest in Manipur has to be some sort of a wake up call for the government, surely. और अचानक जो कल है वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? Takeaway number 3, elections are competition, not war. चुने क्यों जा रहे लोग? संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहाँ तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है।
Okay, it has to be said that this remark applies to both the BJP and the opposition. Bhagwat criticized the way the election campaign was conducted by both parties. Bhagwat also had advice for the new government as well as the opposition, suggesting that India needs a tweak in how she approaches election as well as governance. वास्तव में संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो. किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं. एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो. सहमति बने इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं. उसके लिए स्पर्धा चलती है. स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं. Takeaway number 4. Opposition is pratipaksh, not virodhi paksh. जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गट बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और बिना कारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया. The RSS chief said that elections are integral to democracy and since there are two sides, there is a competition. He was of course referring to a bitter campaign fought from both sides, even sometimes bordering on the toxic. While of course the opposition would take the remark with a pinch of salt, the BJP leadership would most likely be listening intently. ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना. दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूँ. वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए. वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए. ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है. उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई. Takeaway number 5, loss of cultural values. इसलिए समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले संपूर्ण सृष्टि की धारणा करने वाले धर्म के संस्कार, जो संस्कृति हमको सिखाती है, उस संस्कृति के पनपने का, आगे की पीढ़ी तक पहुंचने का प्रश्न खड़ा हो गया है. जिन्होंने उसको त्याग दिया उनकी स्थिति दुनिया में अच्छी नहीं है. भले ही भौतिक वैभव होगा, परिवार टूट रहे हैं, मन में अशांति है, छोटे बच्चे बंदूक लेकर अपने विद्यालय के सहपाठियों को गोलियों से भून डालते, ऐसी परिस्थितियां आती है. Okay, many would say that these are the Sangh's pet issues, and who else but the Sarsang Chalak himself to flag issues about the concerns of Bharat's culture. Pitahin matrutva, kitni baatein hai? Kya humko aise banna hai? Kya humko apna parivar pyara nahi hai? Kya apne hamare sage sambandhi hamare kuch nahi lagte? Us sanskruti ke samrakshan ka prashna hai. Uske liye समाज में बात करने वाले, समाज में विभिन्न कार्यक्रम करने वाले, समाज का प्रबोधन करने वाले माध्यम, सबको अपने ऊपर संयम का बंधन एक लाना पड़ेगा और वैसा वो बंधन लाए. क्योंकि आज के तंत्र में सरकार बहुत सी बातें देखती है, उसके लिए भी सरकारों को प्रावधान करने पड़ेंगे. Okay, now that we have covered the highlights of the RSS chief's speech, do share your views in the comments below. Do you agree with Bhagwat or do you think he did not hit the right notes at all? I keep a close watch on the comments and I encourage you to add to constructive engagement on our platform. And before I go, I had promised I'd return to the story about the Indian soldier stabbed by his Chinese counterpart. This is how it ends. संयोग से दोनों सैनिकों को एक ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया दो दिन के बाद, क्योंकि वो चीनी सैनिक बहुत गंभीर जख्मी था. दो दिन के बाद भारतीय सैनिक उस चीनी सैनिक के पास गया चाय लेकर के. लीजिए भाई, उस दिन तो मैं आपको चाय नहीं पिला सका, आज तो लीजिए. चीनी सैनिक रोने लगा और उनके मुंह से अनायास शब्द निकले, मैंने आज यह जान लिया है मेरे भगवान बुद्ध ने हिंदुस्तान में जन्म क्यों लिया है. यह संस्कृति है.